तमाशा लोग नहीं बनाते बल्कि हम अपनी ज़िंदगी का खुद तमाशा बनाते हैं और हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जी हाँ सत्संग जी, हजूर पिताजी को लाइव अब दर्शन देने वाले हैं। इसके बीच सभी सत्संगत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर आ गए हैं जिसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आपके अपने चैनल NKP में आपका स्वागत है। क्योंकि आजकल का जो माहौल है आप देख सकते हैं कि लोग तमाशा बनाते हैं, वो खुद नहीं बनाते बल्कि जब हम उनको अपनी कमजोरी के बारे में बता देते हैं तो वो आपकी कमजोरी को जानकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरीके से जब घर में लड़ाई होती है, अंग्रेज़ों ने जो बात बहुत गहरी बताकर गए थे कि भारत के अंदर इस तरह की लोग है, इस तरह की जाति है, इस तरह की सोच है कि अगर इनका फ़ायदा उठाना है तो इनको आपस में बंटवा दो, उसी तरीके से आज की डेट में भी इस तरीके से ही कुछ जो है हजूर पिताजी को लेकर मुद्दा बना हुआ है। हजूर पिताजी सिरसा आश्रम में लाइव सत्संग करेंगे और किस तरीके से सभी सत्संगत को लाइव दर्शन देंगे वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर दे ताकि सभी को हजूर पिताजी के लाइव प्रोग्राम को लेकर जानकारी मिल सके। जी हाँ सत्संगत जी, सभी सत्संगत ये सवाल कर रही थी कि हजूर पिताजी बरनामा आश्रम में पहुंच तो चुके हैं लेकिन हजूर पिताजी को लेकर अभी तक कोई भी लाइव को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है और हजूर पिताजी लाइव दर्शन देंगे भी या नहीं। इस बार जो 20 दिन की पैरोल पर आए हुए हैं तो उसमें कोई हजूर पिताजी लाइव सत्संग करेंगे या नहीं, या रूहानी मजलिस करेंगे या नहीं, या यूट्यूब पर लाइव दर्शन देंगे या फेसबुक पर लाइव दर्शन देंगे या कोई वीडियो बनाकर जो है हजूर पिताजी शेयर करेंगे। तो सभी सत्संगत के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा था। सत्संगत जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हजूर पिताजी को जो है पैरोल 3 तारीख को मिल चुकी थी, शायद 2 तारीख में हजूर पिताजी बरनामा आश्रम में पहुँच चुके थे लेकिन 5 तारीख का जो चुनाव था उसको लेकर हजूर पिताजी को पैरोल, उसको ध्यान में रखते हुए हजूर पिताजी को पैरोल दी गई थी और हजूर पिताजी को इस बात की अनुमति नहीं दी गई थी कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में कुछ बात बोले। तो हजूर पिताजी एक अच्छे लीडर होने के नाते हजूर पिताजी ने ना ही कोई वीडियो, जैसे हर बार हजूर पिताजी पैरोल पर आते थे और हजूर पिताजी का जो ऑफिशियल चैनल है Saint MSG उस पर अपनी छोटी सी वीडियो पोस्ट कर देते थे, सभी सत्संगत को दर्शन दे देते थे कि हम सभी सत्संगत के दर्शन के लिए हाजिर हो चुके हैं। हजूर पिताजी हमेशा कभी भी कोई बड़ी बात नहीं करते, हमेशा यही बोलते हैं, जबकि सभी सत्संगत हजूर पिताजी से तड़प कर अरदास करती है कि हजूर पिताजी हम आपके दर्शन देखने के लिए तरस रहे हैं और हजूर पिताजी से जायज मांग भी करती है। तो सभी की जायज मांग सुनते हुए हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच में आते हैं और लाइव दर्शन देते हैं और बहुत ही छोटी बात बोलते हैं कि हम आपके दर्शन के लिए हाजिर हो चुके हैं, जबकि ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा सतगुरु हमें दर्शन देता है तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बाहर से आ जाती है जैसे कोई उजड़ा हुआ बाग होता है और उस पर बाहर आती है तो उसमें फलों की बरसात होती है, पक्षियों की चहचहाट होती है और हजूर पिताजी के आने से जो है इस तरीके से दिल से वर्ड निकलते हैं कि आप आए और बाहर आई। जी हाँ सत्संगत जी, 5 तारीख का जो है चुनाव हो चुका है, हरियाणा का जो चुनाव था उसको लेकर हजूर पिताजी को जो है अनुमति दी गई थी कि आपको कोई भी सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं करनी है जिससे राजनीतिक सपोर्ट में किसी को सपोर्ट मिले। हजूर पिताजी हमेशा सभी सत्संगत को किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलते बल्कि हजूर पिताजी बोलते हैं तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि आप सपोर्ट करो तो सच्चे इंसान को करो, जो मानवता भलाई का कार्य करता है, मानवता भलाई के कार्यों में बढ़कर चढ़कर योगदान देता है। हजूर पिताजी के द्वारा जो
मानवता भलाई के कार्य 163-164 से भी ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं, उनमें से किसी को भी सपोर्ट करता है तो आपको अपनी मर्जी के अनुसार उसी को वोट देनी है। जी हाँ सात संगत जी, जबकि हजूर पिताजी का राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन न्यूज चैनलों वालों के द्वारा इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। कुछ न्यूज चैनल मार्केट में ऐसे हैं जो हजूर पिताजी को लेकर मुद्दा बनाते हैं और इसी मुद्दे पर अपनी न्यूज चैनल चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि हजूर पिताजी हमेशा कभी भी किसी भी सत्संग में किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में कभी नहीं बोलते। जब भी न्यूज चैनल वाले हजूर पिताजी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं और वे बोलते हैं कि आप कभी राजनीतिक पार्टी में आना चाहोगे या नहीं, तो हजूर पिताजी ने हमेशा ऐसा यही जवाब दिया है कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी भी पॉलिटिशियन से कोई भी मतलब नहीं है, हमारा मतलब तो सिर्फ एक ही है कि मानवता भलाई समाज के कार्य को हम बढ़ चढ़ कर करते रहे। और हजूर पिताजी के साथ साथ 7 करोड़ के समथिंग सात संगत जुड़ी हुई है, हजूर पिताजी चाहे तो एक इशारे से 7 करोड़ वोट डलवा सकते हैं, लेकिन हजूर पिताजी हमेशा से एक ही बात बोलते हैं कि आपको अपनी मर्जी के अनुसार वोट डालनी है और जो भी मानवता भलाई का कार्य आपको लगता है कि मानवता भलाई के कार्य बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं तो आपको उसी को वोट डालनी है। तो रही बात हजूर पिताजी के वोट की, ये आपके लिए जानकारी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। और रही बात अफजल लाइव दर्शन की, मैं जो लाइव दर्शन की सूचना आपको देने जा रहा हूँ उसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा सात संगत को इस वीडियो को शेयर भी करना है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी के लाइव को लेकर जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देने जा रहा हूँ वो सभी सत्संगत के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ सत्संगत जी, बहुत ही जल्द सभी सत्संगत को खुशखबरी मिलने वाली है। वो खबर कैसे मिलेगी और कहाँ पर मिलेगी, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उस वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर देना है। सबसे पहले तो सत्संगत जी आपको बता दे कि खुद को समय जरूर दे, क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद है, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। जी हाँ सत्संगत जी, बहुत गहरी लाइन है। आज की डेट में हजूर पिताजी जैसे, हजूर पिताजी को लेकर आप देखते होंगे आपके आसपास में माहौल में आपका टाइम वेस्ट करते होंगे कि आप किस गुरु के चक्कर में पड़ रहे हो, वे तो खुद ही जेल में है, आपको क्या राह दिखाएंगे। जबकि जो सत्संगत हजूर पिताजी से जुड़ चुकी है उन्हें क्या खजाना मिल चुका है और वे किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं वो ही जानते हैं। जो नियमों का पालन किया है, जो वचनों पर पक्के रहे हैं, उनको सतगुरु ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और सतगुरु के ये वचन भी है कि जो हजूर पिताजी के वचनों पर, जो डेरा सच्चा सौदा के वचनों पर चलता है, कुल मालिक उनकी यहाँ तो जगह किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उस जगह पर भी जो सचखंड सत्यलोक ही त्रिलोक का जहाँ होता है उस वहाँ पर भी हजूर पिताजी या कुल मालिक सतगुरु किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात हजूर पिताजी के लाइव को लेकर, जी हाँ सत्संगत जी, अब चुनाव हो चुके हैं, हो सकता है कि आपके लिए हजूर पिताजी खुशियों का पिटारा खोल दे और लाइव दर्शन दे। तो हजूर पिताजी के लिए आपको थोड़ा सब्र और करना है और जब तक डेरे सच्चे सौदे से कोई ऑफिशियल जानकारी ना मिले तब तक आपको सब्र बनाए रखना है, क्योंकि समय जो है वो दोबारा नहीं आता और जो समय आपके पास है उसको सही से इस्तेमाल करना है। इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है और ख़ुद को समय ज़रूर देना है। जो आपका समय ख़राब करते हैं हजूर पिताजी को बोलकर, कुछ कुछ बोलकर आपको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपने उनसे हमेशा दूर बनाए रखने हैं और हजूर पिताजी के प्रति अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना है। जी हाँ सत्संगत जी, आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।
सासंगत जी, हजूर पिताजी हमेशा से एक ही बात बोलते हैं, और हजूर पिताजी ने MSG द मैसेंजर मूवी में लास्ट में भी यही बात बोली थी कि अगर मानवता भलाई का कार्य करना सबसे बड़ा जुर्म और पाप है, तो ये जुर्म और पाप हम हमेशा करते रहेंगे। और हजूर पिताजी के लिए हजूर पिताजी ने एक बात और सिखाई है कि हर चीज़ का एक समय आता है, और वक्त पड़ने पर इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। तो उसी तरीके से आज की डेट में आपने भी देखा होगा कि जब चुनाव का माहौल चलता है तो सभी नेता जो आपको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, चुनाव के वक्त आपके दरवाजे पर आते हैं और आपसे वोट की भीख मांगते हैं। तो हजूर पिताजी ने ये सत्संग में भी बहुत बड़ी बात बोली थी कि आपने गधे नहीं बनना है, आपको इंसान ही बने रहना है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको सोच दी है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आपने हमेशा सही को सपोर्ट करना है और गलत से हमेशा दूर रहना है। तो इस तरीके से हजूर पिताजी सभी सत्संगत को समझाते रहते हैं, और उनका असली मकसद यही होता है समझाने का कि उन्होंने जो वचन दिए हुए हैं कि जो वचनों पर पक्का रहता है उनके अंदर से भी और बाहर से कोई कमी नहीं रहे। यही कारण होता है कि हजूर पिताजी हाथ फैला फैला कर सभी सत्संगत से वचन मांगते हैं कि आपने गलत को कभी सपोर्ट नहीं करना है। जबकि एक पीर पैगंबर अपने लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जीता, वो दूसरों के लिए ही जीता है। तो सत्संगत जी, आप हजूर पिताजी की बातों से कितने सहमत हैं और हजूर पिताजी को लाइव को लेकर कितने उत्सुक हैं, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और इस वीडियो से आपसे विनती करना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी भी सीख आपको मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। आज का जो लाइक का टारगेट है वो 1000 का टारगेट है। 1000 सत्संगत अगर वीडियो को लाइक कर देती है तो हजूर पिताजी के प्रति आप सभी सत्संगत का कितना लगाव है इस बात का एहसास हो जाता है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हजूर पिताजी के लाइव को लेकर थोड़ा इंतज़ार और करना है, क्योंकि जो कोर्ट से अनुमति मिली थी कि आपको कोई भी लाइव ऐसा भाषण नहीं देना है जिससे चुनाव पर कोई फर्क पड़े, और अब चुनाव हो चुका है तो मुझे उम्मीद है कि हजूर पिताजी बहुत ही जल्द सभी सत्संगत को लाइव दर्शन देंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और कमेंट बॉक्स में पिताजी से अरदास करके पिताजी हमें लाइव दर्शन जल्दी से जल्दी दो। 20 दिन की पैरोल पर आए हुए हो तो कृपया करके हमें दर्शन दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई खबर हमें लाइव को लेकर मिलेगी सबसे पहले हम इस चैनल पर देने की कोशिश करेंगे।